स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। मैं यानी आरती आपको हर हफ्ते सुनाती हूँ कहानियाँ, कुछ नई कुछ पुरानी, कुछ जानी कुछ अनजानी। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद है तो आप जहाँ भी सुन रहे हैं, Spotify, Amazon Music, गाना, Apple Podcast, वहाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर हफ्ते जब मैं नया एपिसोड बनाऊँ आपको इत्तिला मिल जाए। अगर आप स्टोरी जैम YouTube पर सुनते हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गुलजार साहब की तारीफ में कोई क्या कहे, हमारे समय के बेहतरीन शायर, लेखक, फिल्म मेकर, जिनकी अचीवमेंट्स की लंबी फहरिस्त को देखकर एक ही ख्याल आता है कि गुलजार साहब रुकना नहीं जानते। वो एक स्पोर्ट्समैन की तरह अपने खेल को और रिफाइन करते जाते हैं। उनकी उपलब्धियाँ, उनकी जीत, पॉपुलैरिटी सब उन्हें छूती हैं पर उनमें बस नहीं जाती। इस हफ्ते गुलजार साहब की सालगिरह थी। 30 सेकंड के चीखते चिल्लाते वायरल वीडियोस की दुनिया में, कॉपीकैट गुलजार शायरों की भीड़ में, अपनी डुगडुगी बजाने वाले आर्टिस्ट के जमघट में एक स्थिर और शांत आवाज़ होने के लिए, ये सिखाने के लिए कि अपनी पारी कैसे जम के खेली जाती है, गुलजार साहब आपका शुक्रिया। आइए सुनते हैं गुलजार द्वारा लिखित धुआं। बात सुलगी तो बहुत धीरे से थी, लेकिन देखते ही देखते पूरे कस्बे में धुआं भर गया। चौधरी की मौत सुबह 4 बजे हुई थी। 7 बजे तक चौधराइन ने रो धोकर होश संभाले और सबसे पहले मुल्ला खैरुद्दीन को बुलाया और नौकर को सख्त ताकीद की कि कोई जिक्र ना करे। नौकर जब मुल्ला को आंगन में छोड़कर चला गया तो चौधराइन मुल्ला को ऊपर ख्वाबगाह में ले गई, जहां चौधरी की लाश बिस्तर से उतारकर जमीन पर बिछा दी गई थी। 2 सफ़ेद चादरों के बीच लेटा एक जर्दी माइल सफ़ेद चेहरा, सफ़ेद भौंएं, दाढ़ी और लंबे सफ़ेद बाल। चौधरी का चेहरा बड़ा नूरानी लग रहा था। मुल्ला ने देखते ही कुछ रस्मी से जुमले कहे। अभी ठीक से बैठा भी ना था कि चौधराइन अलमारी से वसीयतनामा निकाल लाई, मुल्ला को दिखाया और पढ़ाया भी। चौधरी की आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें दफन की बजाय चिता पर रख के जलाया जाए और उनकी राख को गांव की नदी में बहा दिया जाए जो उनकी जमीन सींचती है। मुल्ला पढ़ के चुप रहा। चौधरी ने दीन मजहब के लिए बड़े काम किए थे। गांव में हिंदू मुसलमान को एक सा दान देते थे। गांव में कच्ची मस्जिद पक्की करवा दी थी और तो और हिंदुओं के शमशान की इमारत भी पक्की करवाई थी। अब कई वर्षों से बीमार पड़े थे, लेकिन इस बीमारी के दौरान भी हर रमज़ान में गरीब गुरबा की अफ्तारी का इंतज़ाम मस्जिद में उन्हीं की तरफ से हुआ करता था। इलाके के मुसलमान बड़े भक्त थे उनके, बड़ा अकीदा था उन पर। और अब वसीयत पढ़ के बड़ी हैरत हुई मुल्ला को कि कहीं झमेला ना खड़ा हो जाए। आजकल वैसे ही मुल्क की फिज़ा ख़राब हो रही थी। हिंदू कुछ ज़्यादा ही हिंदू हो गए थे, मुसलमान कुछ ज़्यादा मुसलमान। चौधराइन ने कहा, मैं कोई पूजा पाठ नहीं करवाना चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि शमशान में उन्हें जलाने का इंतज़ाम कर दीजिए। मैं रामचंद्र पंडित को भी बता सकती थी, लेकिन इसलिए नहीं बुलाया कि बात कहीं बिगड़ ना जाए। बात बताने ही से बिगड़ गई जब मुल्ला खैरुद्दीन ने मसलहतन पंडित रामचंद्र को बुलाकर समझाया कि तुम चौधरी को अपने शमशान में जलाने की इजाज़त ना देना, वरना हो सकता है इलाके के मुसलमान बवेला खड़ा कर दे। आखिर चौधरी आम आदमी तो था नहीं, बहुत से लोग बहुत तरह से उनसे जुड़े हुए हैं। पंडित रामचंद्र ने भी यकीन दिलाया कि वो किसी तरह की शरंगेजी अपने इलाके में नहीं चाहते। इससे पहले कि बात फैले वो भी अपनी तरफ के मखसूस लोगों को समझा देंगे। बात जो सुलग गई थी धीरे धीरे आग पकड़ने लगी।
सवाल चौधरी और चौधराइन का नहीं है, सवाल अकीदों का है, सारी कौम, सारी कम्युनिटी और मजहब का है। ये चौधराइन की हिम्मत कैसे हुई कि वो अपने शौहर को दफन करने की बजाय जलाने को तैयार हो गई? वो क्या इस्लाम के आइन नहीं जानती? कुछ लोगों ने चौधराइन से मिलने की भी जिद की। चौधराइन ने बड़े धीरज से कहा, भाइयों, ऐसी उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, मिट्टी ही तो है, अब जला दो या दफन कर दो। जलाने से उनकी रूह को तस्कीन मिले तो आपको एतराज क्या हो सकता है? एक साहब कुछ ज्यादा तैश में आ गए, बोले, उन्हें जलाकर आपको तस्कीन होगी? जी हाँ। चौधराइन का जवाब बहुत मुख्तसर था, उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने से ही मुझे तस्कीन होगी। दिन चढ़ते चढ़ते चौधराइन की बेचैनी बढ़ने लगी। जिस बात को वह सुलह सफाई से निपटाना चाहती थी वो तूल पकड़ने लगी। चौधरी साहब की ख्वाहिश के पीछे कोई पेचीदा प्लॉट, कहानी या राज की बात नहीं थी, ना ही कोई ऐसा फलसफा था जो किसी दीन, मजहब या अकीदे से जुड़ता हो। एक सीधी साधी इंसानी ख्वाहिश थी कि मरने के बाद मेरा कोई नाम व निशान ना रहे, जब हूं तो हूं, जब नहीं हूं तो कहीं नहीं हूं। बरसों पहले ये बात बीवी से हुई थी, पर जीते जी कहाँ कोई ऐसी तफसील में झांक कर देखता है। और ये बात, उस ख्वाहिश को पूरा करना, चौधराइन की मोहब्बत और भरोसे का सबूत था। ये क्या कि आदमी आंख से ओझल हुआ और आप तमाम ओहदो पैमान भूल गए? चौधराइन ने एक बार बीरू को भेजकर रामचंद्र पंडित को बुलाने की कोशिश भी की थी, लेकिन पंडित मिला ही नहीं। उसने चौकीदार से कहा, देखो भाई, हम जलाने से पहले मंत्र पढ़ के चौधरी को तिलक जरूर लगाएंगे। अरे भाई, जो मर चुका उसका धर्म अब कैसे बदलेगा? तुम ज्यादा बहस तो करो नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि गीता के श्लोक पढ़े बगैर हम किसी को मुखाग्नि दें। ऐसा ना करें तो आत्मा हम सबको सताएगी, तुम्हें भी हमें भी। चौधरी साहब के हम पर बहुत एहसान है, हम उनकी आत्मा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। बीरू लौट गया। बीरू जब पंडित के घर से निकल रहा था तो पन्ना ने देख लिया। पन्ना ने जाकर मस्जिद में खबर कर दी। आग जो घुट घुट कर ठंडी होने लगी थी फिर से भड़क उठी। चार पांच मुतबिर मुसलमानों ने तो अपना कतई फैसला भी सुना दिया। उन पर चौधरी के बहुत एहसान थे, वो उनकी रूह को भटकने नहीं देंगे। मस्जिद के पिछवाड़े वाले कब्रिस्तान में कब्र खोदने का हुक्म भी दे दिया। शाम होते होते कुछ लोग फिर हवेली पर आ धमके। उन्होंने फैसला कर लिया था कि चौधराइन को डरा धमका कर चौधरी का वसीयतनामा उससे हासिल कर लिया जाए और जला दिया जाए। फिर वसीयतनामा ही नहीं रहेगा तो बुढ़िया क्या कर लेगी? चौधराइन ने शायद ये बात सूंघ ली थी। वसीयतनामा तो उसने कहीं छुपा दिया था, और जब लोगों ने डराने धमकाने की कोशिश की तो उसने कह दिया, मुल्ला खैरुद्दीन से पूछ लो, उसने वसीयत देखी है और पूरी पढ़ी है, और अगर वो इनकार कर दे तो? कुरान शरीफ पर हाथ रखकर इनकार कर दे तो दिखा दूंगी, वरना? वरना क्या? वरना कचहरी में देखना। बात कचहरी तक जा सकती है ये भी वाजे हो गया। हो सकता है चौधराइन शहर से अपने वकील को और पुलिस को बुला ले, पुलिस को बुलाकर उनकी हाजिरी में अपने इरादे पर अमल कर ले, और क्या पता वो अब तक उन्हें बुला भी चुकी हो। वरना शौहर की लाश बर्फ की सिलों पर रखकर कोई कैसे इतनी खुद एतमादी की बात कर सकता है? रात के वक्त खबरें अफवाहों की तरह से उड़ती हैं। किसी ने कहा, एक घोड़ा सवार अभी अभी शहर की तरफ जाते हुए देखा है। घुड़सवार ने सर और मुंह साफे से ढांप रखा था, और वो चौधरी की हवेली से ही आ रहा था। एक ने तो उसे चौधरी के अस्तबल से निकलते हुए भी देखा था। खादू का कहना था कि उसने हवेली के पिछले अहाते में सिर्फ लकड़ियां काटने की आवाज ही नहीं सुनी, बल्कि पेड़ गिरते हुए भी देखा है। चौधराइन यकीनन पिछले अहाते में चिता लगवाने का इंतजाम कर रही है। कल्लू का खून खौल उठा।
बुजदिलों, आज रात एक मुसलमान को चिता पर जलाया जाएगा और तुम सब यहां बैठे आग की लपटें देखोगे। कल्लू अपने अड्डे से बाहर निकला। खून खराबा उसका पेशा है तो क्या हुआ, ईमान भी तो कोई चीज है। ईमान से अजीज तो मां भी नहीं होती यारों। चार पांच साथियों को लेकर कल्लू पिछली दीवार से हवेली पर चढ़ गया। बुढ़िया अकेली बैठी थी लाश के पास। चौंकने से पहले ही कल्लू की कुल्हाड़ी सर से गुजर गई। चौधरी की लाश को उठवाया और मस्जिद के पिछवाड़े ले गए जहां उसकी कब्र तैयार थी। जाते जाते रमजे ने पूछा, सुबह चौधराइन की लाश मिलेगी तो क्या होगा, बुढ़िया मर गई क्या? सर तो फट गया था, सुबह तक क्या बचेगी? कल्लू रुका और देखा चौधराइन की ख्वाबगाह की तरफ। पन्ना कल्लू के जिगरे की बात समझ गया। तू चल उस्ताद, तेरा जिगरा क्या सोच रहा है मैं जानता हूं, सब इंतजाम हो जाएगा। कल्लू निकल गया कब्रिस्तान की तरफ। रात जब चौधरी की ख्वाबगाह से आसमान छूती लपटें निकल रही थीं, तो सारा कस्बा धुएं से भरा हुआ था। जिंदा जला दिए गए थे और मुर्दे दफन हो चुके थे। आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।